परिवार की हो, समाज की हो या फिर राष्ट्र की, उसका आधारभूत ढांचा जो होता है वो स्वास्थ्य ही होता है। अगर हम स्वस्थ शरीर के नहीं हैं, हमारी मान लो आने वाली पीढ़ी है तो स्वस्थ नहीं होगी। आजकल आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया, पोषण अभियान, बहुत बड़ी सोच रखते हैं हमारे प्रधानमंत्री, बहुत सारी चीजें देश के लिए करनी है, गरीबों के उत्थान के लिए, मजदूरों के, खेतिहार के लिए, लेकिन उन्होंने इतना माइन्यूटली सोचा कि आने वाली पीढ़ी को अगर हरिष्ट पुष्ट वृष्ट या स्वस्थ, जो हमारा भविष्य स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो, तो उसके लिए उन्होंने क्या सोचा, भाई सबसे पहले तो माँ को पोषित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ में जो शरीर के लिए जरूरी चीजें होती हैं, जब तक माँ में मोह वो नहीं होगी तो आने वाला बच्चा आपको पता है पोषित पैदा होगा। भाई कोरोना खत्म हो भी जाए तब भी आपको डॉक्टर्स को, पैरा मेडिकल स्टाफ को याद रखना है हर साल, बाकी दिन ना रखो, कम से कम नेशनल डॉक्टर्स डे पे जरूर याद रखो, क्योंकि आपने जो सेवाएं दी अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपना स्वयं की स्वयं को जोखिम में डालकर सामने बैठे हैं उनको भी, और जो हमारे बीच में नहीं है उनको भी याद करते हुए, उनकी सेवाओं को याद करते हुए, जो जहां भी है उनको मैं आज यहां से उनको नमन करती हूं, उनको याद करती हूं, और जितने भी चाहे वो संस्थाएं हैं, चाहे मीडिया के बंधु बैठे हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में काम करने वाले, चाहे हम लोग पॉलिटिशियन लोग हैं, हम लोगों को हमेशा ये चीज याद रखनी चाहिए कि अगर पृथ्वी पर भगवान का दूसरा रूप है तो डॉक्टर्स और उनके साथ का पैरामेडिकल स्टाफ। Thank you.